हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू द चैनल लास्ट विद आर एस एम एंड हियर आई एम बैक विद अनदर वीडियो तो टूडेज वीडियो इज अबाउट द कॉस्ट अकाउंटिंग एमसीक्यू सीरीज व्हिच वी हैव स्टार्टेड एंड दिस इज द पार्ट टू ऑफ कॉस्टिंग सेमेस्टर फाइव एम सी क्यूज विथ फुल कंसेप्ट क्लैरिटी तो हमने लास्ट टाइम काफी सारे एमसीक्यूज डिस्कस किए थे जिसमें हमने काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस किया था इन डिटेल तो इस वीडियो में भी हम बाकी के एमसी क्यूज को डिस्कस करेंगे ताकि आपके और काफी सारे कंसेप्ट इस वीडियो के बेसिस पे रिवाइज हो जाए और आपको आपके एग्जाम में कोई भी प्रॉब्लम फेस ना हो तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो कॉस्ट अकाउंटिंग के रिलेटेड पार्ट टू एमसीक्यूज फॉर सेमिस्टर फाइव ट्वेंटी ट्वेंटी एग्जामिनेशन फर्स्ट क्वेश्चन प्राइम कॉस्ट इज ऑल कॉस्ट इनकर्ड इन मैन्युफैक्चरिंग अ प्रोडक्ट टोटल ऑफ डायरेक्ट कॉस्ट मटीरियल कॉस्ट ऑफ अ प्रोडक्ट कॉस्ट ऑफ ऑपरेटिंग अ डिपार्टमेंट प्राइम कॉस्ट का मतलब क्या होता है प्राइम कॉस्ट का मतलब होता है टोटल ऑफ डायरेक्ट कॉस्ट जितने भी आपके डायरेक्ट कॉस्ट होंगे जैसे कि डायरेक्ट मटेरियल्स, डायरेक्ट वेजेस जैसे हम लेबर के नाम से जानते हैं और डायरेक्ट एक्सपेंसेस इन तीनों को अगर हम ऐड करते हैं तो हमें टोटल मिलता है और वो टोटल को ही हम प्राइम कॉस्ट कहते हैं सो प्राइम कॉस्ट का मतलब क्या है टोटल ऑफ डायरेक्ट कॉस्ट सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं डैश इज मोस्ट लाइकली टू बी अ अड कॉस्ट कॉस्ट ऑफ मटीरियल यूज इन प्रोडक्शन रेंट असेंबली लेबर कॉस्ट या कमीशन तो इनमें से कौन सा फिक्स कॉस्ट माना जाएगा तो फिक्स कॉस्ट का अगर बेस्ट एग्जांपल इनमें से देखें तो वो है रेंट बिकॉज अगर हम घर में रहे या नहीं नहीं रहे तो भी हमें हमारा जो लैंडलॉर्ड है उसे रेंट तो पेमेंट करना ही पड़ेगा दैट इज वाई इनरेस्पेक्ट ऑफ सच पॉइंट्स कॉस्ट इज फिक्स तो इसीलिए रेंट जो है वो फिक्स कॉस्ट माना जाएगा क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं विच कॉस्ट विच कैन बी आइडेंटिफाइड इजीली इज कॉल्ड एज तो इनमें से कौन सा कॉस्ट जो इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं तो इनडायरेक्ट कॉस्ट डायरेक्ट कॉस्ट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट फिक्स कॉस्ट कॉस्ट विच कैन बी आइडेंटिफाइड इजीली ऐसा कौन सा कॉस्ट है जो हम इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं तो इसका भी राइट right आंसर क्या है इसका भी राइट right आंसर है डायरेक्ट कॉस्ट बिकॉज डायरेक्ट कॉस्ट ही ऐसा कॉस्ट होता है जो हम इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं विच कवर्स दी डायरेक्ट मटेरियल्स डायरेक्ट वेजेस एंड डायरेक्ट एक्सपेंसेस क्वेश्चन नंबर फोर्थ देखते हैं गुड्स रिसीव्ड नोट इज प्रिपेयर बाय परचेज डिपार्टमेंट स्टोर्स डिपार्टमेंट फाइनेंस डिपार्टमेंट एंड सेल्स डिपार्टमेंट तो गुड्स रिसीव्ड नोट जो है दैट इज बीन प्रिपेयर बाय विच ऑफ द फॉलोइंग डिपार्टमेंट्स तो इसका राइट आंसर है स्टोर्स डिपार्टमेंट स्टोर्स डिपार्टमेंट जो है वही गुड्स रिसीव्ड नोट को प्रिपेयर करता है क्वेश्चन नंबर फिफ्थ देखते हैं दिस इज फ्रॉम द चैप्टर ऑफ कॉस्ट एंड फाइनेंशियल का जो हमारा रिकन्सिलेशन होता है उसमें से पूछा गया है इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट इंक्रीजेस फाइनेंशियल प्रॉफिट कॉस्टिंग प्रॉफिट असेट्स या लाइबिलिटीज तो इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट ध्यान से आप देखो तो इट्स एन इनकम और कॉशिट में हम इनकम रिकॉर्ड नहीं करते हैं ओनली फाइनेंशियल में हम इनकम रिकॉर्ड करते हैं और अगर फाइनेंशियल में हम इनकम रिकॉर्ड करेंगे तो फाइनेंशियल का प्रॉफिट जो है वो बढ़ जाएगा तो इसीलिए इसका राइट right आंसर बनेगा इनक्रीजेज द फाइनेंशियल प्रॉफिट क्वेश्चन नंबर देखेंगे time, 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 टी एंड लंच इज नॉर्मल आइडियल टाइम एबनॉर्मल आइडियल टाइम ओवर टाइम या मिनिमम टाइम तो टी एंड लंच का जो ब्रेक होता है उसे सिंपल है इसका राइट right आंसर आप दे सकते हो दैट इज कॉल्ड नॉर्मल आइडियल टाइम नॉर्मल आइडियल टाइम उसे हम कहेंगे क्वेश्चन नंबर सेवन अंडर परपेचुअल इन्वेंट्री कंट्रोल स्टॉक इज वेरीफाइड कंटिन्यूअसली स्टॉक इज वेरीफाइड पीरियोडिकली स्टॉक इज वेरीफाइड एट द एंड ऑफ एवरी क्वार्टर स्टॉक इज वेरीफाइड एट हाफ ईयरली तो जो हमारा परपेचुअल इन्वेंट्री कंट्रोल है मटेरियल कॉस्टिंग में उसमें स्टॉक हम वेरीफाई करते हैं कंटिन्यूस बेसिस पे तो इसका राइट right आंसर बनेगा स्टॉक इज वेरीफाइड कंटिन्यूसली क्वेश्चन नंबर एट ऑर्डर शुड बी प्लेस विद द सप्लायर व्हेन द इन्वेंट्री टचेस मैक्सिमम लेवल मिनिमम लेवल रीऑर्डर लेवल या डेंजर लेवल कब ऑर्डर प्लेस करना है सप्लायर के पास या क्रेडिटर्स के पास जब इन्वेंट्री आपके रीऑर्डर लेवल पे पहुंचेगी तो रीऑर्डर लेवल पे इन्वेंट्री जाएगी तो ही हमें ऑर्डर प्लेस करना है वरना अगर अननेसेसरी का ऑर्डर प्लेस करके रखोगे तो वो गोडाउन में या स्टोर हाउस में पड़ा रहेगा और उसका भी कॉस्ट बढ़ जाएगा

सच एस गुडविल रिटर्न ऑफ प्रोविजन फॉर टैक्सेशन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ये तीनों के तीनों जो है दैट इज फाइनेंशियल आइटम्स मतलब ऐसे आइटम्स को सिर्फ फाइनेंस में रिकॉर्ड किया जाता है कॉस्टशीट में रिकॉर्ड नहीं किया जाता बट प्रॉपर्टी टैक्स ऑन ऑफिस बिल्डिंग ये जो पॉइंट है इसे हम रिकॉर्ड करते हैं कॉस्टशीट के अंदर और किस में रिकॉर्ड करेंगे ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन

आंसर हमारा अंडर एब्जॉर्प्शन या ओवर एब्जॉर्प्शन इन दोनों में से ही होगा रिकॉर्डेड मोर की बात कर रहा है रिकॉर्डेड मोर का मतलब होता है ओवर एब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड्स दैट्स इट फ्रॉम दिस वीडियो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें अपने फ्रेंड्स में शेयर करें और अगर आप पहली बार चैनल पर आए तो सब्सक्राइब कर ले बिकॉज मैं ऐसे वीडियो इस चैनल पर लाते रहता हूँ टिल देन एज ऑलवेज वर्क हार्डर बी स्मार्टर